बिहार में लखीसराय पुलिस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। लखीसराय पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 8 मुंगेरी देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 315 बोर की 64 कारतूस, 7.65 बोर की 6 कारतूस, 2 अपाची बाइक और 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार दोनों तस्कर नवदीप सरकार और सपन मंडल नदिया जिले के कल्याणी थाना क्षेत्र के सगुना और आनंद नगर के रहने वाले हैं और हथियार को ले जाने ये दोनों लखीसराय आए थे। लखीसराय एसपी सुशील कुमार की माने तो पूछताछ के दौरान इन लोगों ने कबूल किया है कि हथियार को बंगाल विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार दोनों युवकों के मोबाइल फोन से टीएमसी कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर भी मिले हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं और बंगाल चुनाव में हिंसा उपद्रव कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लखीसराय पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद हथियार तस्करों के होश उड़ गए हैं। गिरफ्तार हुए हैं उनमें मिथिलेश कुमार है, पेशर सुभाष मंडल, शास्त्री नगर कासिम बाजार का है, अजीत सरकार जो है नदिया का है, जिला नदिया पश्चिम बंगाल का है, सपन मंडल ये भी नदिया जिला का है पश्चिम बंगाल का, क्रांतिवीर पेशर कैलाश महतो, सोनू कुमार पेशर कैलाश महतो, उदलेश कुमार केदार महतो, ये तीनों जो है मानिकपुर थाना का। ऐसा ये जो अजीत सरकार है इससे हम लोगों ने पूछताछ किया कि ये किस क्या इसका रीजन हो सकता है ले जाने के लिए, क्यों ले जा रहे हो, तो उसका यही कहना था कि चुनाव में आने वाले चुनाव में इसको यूज करने के लिए। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये वर्धा है, वर्धा से ही उसको यहाँ किसको दिया था, यहाँ जो लड़का मिथिलेश वर्धा से लेके मिथिलेश आया था और वो फिर लेके जा रहा था साथ में, ये जो बंगाल से आए थे उनके साथ में। कितने की डीलिंग थी सर पर कट्टा के? क्या पर कट्टा जैसा ये अभी बता रहा है 5,000 रुपये और ये जो देसी पिस्टल है इसका 20,000 रुपये, ये जो गोली है 500 रुपये पर पीस। तो जो लोग गिरफ्तार हुए सर उन्होंने कबूला है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ये लोग हथियार वहाँ पर ले जाए? इसमें जो एक पश्चिम बंगाल का है अजीत सरकार उसने ये कबूल किया। कितने दिनों से इस धंधे में ये लोग लिप्त हैं? एक मिथिलेश जो है वो 2015 में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है इस, तो वो उसके अब हम लोग और भी वेरीफाई, अजीत सरकार भी अपने बंगाल में जा चुका है तो हम लोग अब वेरीफाई करेंगे इनके हिसाब से, तो एक बार जेल गए ये लोग। ये कहा जा सकता है सर कि ये तस्करी में पहले से ही लिप्त? हाँ ये कहा जा सकता है और हम लोग और वेरीफाई करेंगे उसके बाद और बातें क्लियर करेंगे। ये पहला खेप में ही कार्रवाई में पकड़ा के कोई खेप पहुंचा? नहीं नहीं, ये हम लोग पहली खेप में ही पकड़ लिए हैं। एक्चुअली इन लोगों की डीलिंग बड़ी थी लेकिन ये इतना सप्लाई नहीं कर पाया था जो भी सप्लायर था, तो इतना ही लेके जा रहे थे, हो सकता है नेक्स्ट खेप में ले जाने की इनकी तैयारी थी और भी। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।